देख रहे हैं दस्तक और मैं हूं श्वेता सिंह। अब बात टीएमसी सांसद नुसरत जहां की। वैसे तो नुसरत जहां जब से सांसद बनी है तभी से चर्चा में है, लेकिन अब की बार चर्चा बड़ी है क्योंकि नुसरत जहां ने जितनी तेजी से अपनी शादी का ऐलान जमाने भर में किया था उतनी तेजी से वो शादी तोड़ने का ऐलान कर रही। और अब नुसरत जहां और बिजनेसमैन निखिल जैन की शादी पर सवाल उठा दिया है बीजेपी ने, और ये सवाल नुसरत की शादी में बवाल बनकर आया। नुसरत जहां की शादी पर मच गया है बवाल। आखिर नुसरत जहां ने क्यों तोड़ा निखिल जैन से रिश्ता? क्या नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी वैध नहीं है? नुसरत जहां और निखिल जैन के बीच रिश्ता तोड़ने की नौबत क्यों आई? अगर शादी वैध नहीं है तो नुसरत जहां ने संसद में सरनेम जैन क्यों बताया? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आमी नुसरत जहां रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया। 19 जून 2019 को नुसरत जहां और बिजनेसमैन निखिल जैन शादी के बंधन में बंधे। नुसरत जहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से नई नई सांसद बनी थी। ऐसे में नुसरत की यह शादी सोशल मीडिया पर भी सुपरहिट हो गई और खुद शादी की जोर शोर से चर्चा नुसरत जहां ने ही करवाई। जी हां, नुसरत जहां ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी के वीडियो अपलोड किए। प्री वेडिंग शूट से लेकर मेहंदी की रस्म तक दुल्हन के लिबास से लेकर निखिल जैन के साथ शादी के बंधन में बंधने तक नुसरत जहां ने अपनी शादी की पूरी फिल्म बनवाई और उसे संपूर्ण देश ने देखा। नुसरत जहां ने कोलकाता में शादी का रिसेप्शन रखा, उसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुईं। शादी के बाद नुसरत जहां सिंदूर और साड़ी में नजर आईं, तो लोग दंग रह गए। इतना ही नहीं, नुसरत जहां के खिलाफ फतवे तक जारी कर दिए गए थे। और तो और, नुसरत जहां ने सुहाग के सिंदूर और मेहंदी के साथ संसद में भी शपथ ली और संसद में खड़े होकर बाकायदा उन्होंने अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आमी नुसरत जहां रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया। अब नुसरत जहां कह रही हैं कि उनकी और निखिल जैन की शादी वैलिड नहीं है और बाकायदा इस पर बयान भी जारी कर रही हैं। नुसरत जहां ने कहा, विदेशी धरती पर तुर्की के शादी कानून से हुई सेरेमनी अमान्य है, साथ ही ये दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच की शादी है, इसलिए भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दर्ज होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। कानून के मुताबिक ये शादी नहीं बल्कि सिर्फ एक रिश्ता या लिव इन रिलेशनशिप है, इसलिए तलाक का सवाल नहीं उठता। आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि तुर्की मैरिज एक्ट क्या कहता है और कानून के जानकारों से लेकर धर्म गुरुओं से भी नुसरत जहां की शादी की वैधता पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने जैसे ही अपनी शादी को अमान्य बताया तो तुरंत बीजेपी नेता और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उन पर सवाल उठा दिया और संसद में उनकी शपथ का वो वीडियो ट्वीट कर दिया है जिसमें उन्होंने अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया था। वीडियो को ट्वीट करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ रहना है ये टीएमसी सांसद नुसरत जहां का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन वो जनता द्वारा चुनी गई हैं। उन्होंने संसद में निखिल जैन से अपनी शादी की बात मानी थी और ये ऑन रिकॉर्ड है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय उन्होंने सदन में झूठ बोला था? हम आपको बता दें कि नुसरत ने जिस तेजी से अपनी शादी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे उतनी ही तेजी से उन्हें इंस्टाग्राम से डिलीट भी कर दिया है। इसके बाद नुसरत जहां ने लिखा,
मैं उस औरत के रूप में याद नहीं रखी जाना चाहती जो अपना मुंह बंद रखती है, और मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। नुसरत और निखिल करीब 6 महीने से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। बिजनेसमैन निखिल और नुसरत ने लव मैरिज की थी। दोनों 2017-18 में एक दूसरे से मिले थे। 2019 में सांसद बनने के ठीक बाद नुसरत ने शादी की थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई? आज तक ब्यूरो। नुसरत कह रही है कि उनकी शादी तुर्की कानून के अनुसार हुई, भारत में रजिस्टर्ड नहीं हुई, ऐसे में ये शादी वैलिड नहीं है और तलाक लेने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन कानून के जानकार और धर्मगुरु नुसरत जहां की शादी को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या तुर्की में हुई शादी भारत में वैलिड नहीं है? तुर्की में केवल कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो किए गए सिविल विवाह हैं, उन्हीं की मान्यता है। धार्मिक आधार पर किए गए विवाहों को तुर्की का कानून नहीं मानता। हर एक विवाह को विवाह निबंधक मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत किया जाता है। विदेशी नागरिक भी तुर्की के अंदर जाकर के अपना विवाह कर सकते हैं, परंतु ऐसा विवाह तभी मान्य होगा जब वह विवाह उन विदेशी नागरिकों के अपने देश के कानून के अंतर्गत भी मान्यता प्राप्त हो। इस कारण से जो तुर्की के विवाह अधिकारी हैं, वो विवाह के इच्छुक स्त्री पुरुष से आवश्यक दस्तावेजों की मांग करते हैं। संबंधित देश के दूतावास को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। क्या तुर्की में हुई शादी पर तलाक होना जरूरी नहीं है? टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने जो शादी की थी उसके मुतालिक उनका खुद का बयान आ रहा है कि दो धर्मों के बीच शादी हुई और ये शादी शादी नहीं थी। वो सही कह रही हैं क्योंकि दो धर्मों के बीच शादी हुई थी, या तो उनको जिससे शादी की उनके धर्म के मुताबिक शादी करनी चाहिए थी, या फिर उनको इस्लाम में दाखिल करके उनको इस्लाम के मुताबिक शादी करनी चाहिए थी। ये शादी शादी नहीं बल्कि एक नाजायज़ ताल्लुकात थे, और तौबा का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। अब वो तौबा करके दोबारा से कलमाए तैयबा पढ़ें और ईमान में दाखिल हो जाएं। नुसरत जहां और निखिल जैन में रिश्ता टूटने के पीछे का सच क्या है? जबकि सच ये भी है कि शादी से पहले ही नुसरत जहां और निखिल जैन ने खुद आज तक को बताया था कि दोनों की मुलाकात कैसे, कब और कहां हुई थी, और कैसे दोनों ने अपने रिश्तों को शादी में बदलने का फैसला किया। Seven days. Wow, congratulations. Thank you. Big moment, very exciting time in anyone's life. Yeah. I don't know, I'm working and he's working. I don't know, where is the excitement? I want to feel like a bride. I was just complaining to him yesterday night only. I said, I don't feel like a bride right now. There's so much of work which is to be done. Yeah, because we're planning everything and then we want the best to happen. So we just don't want anything to go wrong. So how did you guys meet? Tell us about this love story. So we knew each other for 3 years. I have a brand, Rangoli, and she was my brand ambassador. Aha, for the brand. Nice, well that's, done there. That's how we met, so. And we got along as friends, and then we started dating. जब दोनों के बीच इतनी अच्छी understanding थी, तो फिर रिश्ते में कौन सी ठेस लगी जो ये टूट गया? नुसरत जहां ने निखिल पर पैसों के हेरफेर जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नुसरत ने कहा है, निखिल ने उनकी जानकारी के बिना ही उनके अकाउंट से पैसे निकाले हैं। खुद को अमीर बताकर रात के किसी भी समय गैरकानूनी रूप से उसने मेरे बैंक अकाउंट से पैसे लिए। हम दोनों के अलग होने के बाद भी उसने ऐसा करना जारी रखा है। हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे। मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। जो कुछ भी मेरा था अभी भी उसके पास है। मुझे बताने में दुख हो रहा है कि मेरे पुश्तैनी गहने जो मेरे परिवार वालों ने मुझे तोहफे में दिए थे, वो सब निखिल के पास ही हैं। क्या ये पूरा सच है? नुसरत और निखिल नवंबर 2020 से ही अलग अलग रह रहे हैं। दूसरी तरफ नुसरत के प्रेग्नेंट होने की खबरें सामने आई तो निखिल ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अगर नुसरत प्रेग्नेंट भी हैं, तो बच्चा उनका नहीं। हम आपको बता दें कि निखिल जैन मामले को अदालत तक पहुंचा चुके हैं। नुसरत के साथ इस ताजा विवाद में भी निखिल जैन ने एक बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है। प्यार की वजह से मैंने नुसरत को शादी का प्रस्ताव दिया। उनकी हाँ के बाद हमने शादी की। कोलकाता में रिसेप्शन भी हुआ।
अगस्त 2020 में नुसरत ने एक फिल्म की शूटिंग शुरू की, जिसके बाद उनका रवैया बदलना शुरू हो गया। पति पत्नी की तरह साथ रहते हुए मैंने कई बार शादी को रजिस्टर करवाने के लिए कहा, लेकिन हर बार उन्होंने इनकार कर दिया। इस बीच नुसरत जहां का नाम एक नए शख्स के साथ भी जोड़ा जा रहा है। इस शख्स का नाम है यशदास गुप्ता। यशदास गुप्ता कई टीवी सीरियल में नजर आ चुके हैं। यशदास गुप्ता ने बॉलीवुड में काम करने के साथ ही बंगाली सिनेमा की ओर भी रुख किया, जहां वो कई शोज में नजर आए। यश बीजेपी से जुड़े हैं। उन्होंने इसी साल बीजेपी के टिकट पर बंगाल से चुनाव भी लड़ा है। नुसरत जहां और यशदास गुप्ता को राजस्थान की एक ट्रिप पर भी साथ देखा गया था। ऐसे में नुसरत जहां और निखिल जैन के रिश्ते को लेकर प्रश्न उठने लगे हैं। क्या दोनों की शादी यश की एंट्री के बाद टूट रही है? और नुसरत जहां की प्रेगनेंसी का सच क्या है? बंगाल की एक वेबसाइट में इसका जिक्र किया गया है। फिलहाल नुसरत जहां ने अपनी शादी को तो अनवैलिड बता दिया है, बाकी सवालों पर उन्होंने खामोशी कायम की हुई है। आज तक ब्यूरो। एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम कमाने के बाद नुसरत जहां जब राजनीति में आई, उसके बाद एक के बाद एक विवादों में घिरती गई। नुसरत से जुड़े विवादों की एक लंबी फहरिस्त है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां का ये अंदाज आपको याद होगा, जब वो कोलकाता में जगन्नाथ यात्रा के मौके पर ममता के साथ पहुंची और पूजा अर्चना की। इससे पहले नुसरत मंगलसूत्र और सिंदूर को लेकर सुर्खियों में रही, लेकिन नुसरत ने इस विवाद को भी हवा में उड़ा दिया। पीली साड़ी और माथे पर बिंदी के साथ नुसरत ने ऐसे सीन शायद अपनी फिल्मों में रीटेक के बाद बहुत किए होंगे, लेकिन यहाँ रील नहीं, रियल एक्शन था। तमाम विवादों के बीच नुसरत का ये शॉट परफेक्ट रहा। नुसरत के इसी बेबाक अंदाज की वजह से वो कई बार मुसीबत में भी आई। ऐसा ही एक मामला था जब वो पहली बार लोकसभा सदस्य बनी। संसद पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी दोस्त मिम्मी चक्रवर्ती के साथ तस्वीरें खिंचवाई, जिसके लिए उन्हें अपने ही कुछ फैंस से खरी खोटी सुननी पड़ी। सफाई में नुसरत ने कहा कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली नुसरत जहां ने एक बार माँ दुर्गा के लुक में तस्वीरें शेयर कर दी थी, जिसके बाद उनका काफी विरोध हुआ था। केंद्र सरकार ने चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक को बैन किया तो नुसरत जहां ने इसका विरोध किया। इसके पक्ष में नुसरत ने लोगों के बेरोजगार हो जाने का तर्क दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि उन्हें देश की सीमा पर चीन से लड़ रहे जवानों की फिक्र नहीं है। इस तरह नुसरत से जुड़े विवादों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें अब उनकी शादी भी जुड़ गई है। आज तक के रो दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।